इट इज नो मोर स्टूडेंट मूवमेंट, अब ये पूरी तरीके से फंडामेंटलिस्ट के हाथ में, जमात के हाथ में, और वो एक तरीके की सोच अपने पॉपुलेशन पे लादना चाह रहे हैं। बेसिक वजह उसकी है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, आर्मी को इसमें प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा बगैर किसी भेदभाव के। पहला काम वो करें कि शांति स्थापित करें। अगर बांग्लादेश इसी स्थिति में चलता रहा तो जो भी उसने गेन किया है खोते हुए उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सूडान कॉन्ट्रेस्ट देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, ईरान इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, कहां नहीं ऐसे हुए। वो अपने धरोहर को ही मिटा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को ही मिटा रहे हैं, जिस एट्रोसिटीज के अगेंस्ट आपने इंडिपेंडेंस हासिल किए, और उसी एट्रोसिटीज में आप वापस जाना चाहते हैं, उसी फंडामेंटलिज्म में आप वापस जाना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में पूरा विश्व इससे ग्रस्त है, चाहे अमेरिका देख लीजिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, साउथ एशिया देख लीजिए, हर जगह इस तरीके की ताकतें बढ़ गई हैं। इसको बोलते हैं मैडनेस। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं है, वो सिर्फ एक मॉब मेंटेलिटी होती है, वो जाति और मंदिर को गिरा देती, मूर्ति को गिरा देती है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम इंप्लीमेंट करने आते हैं तो हमारे फेवरेटिज्म प्ले करते हैं। हाय, मैं हूँ दीपिका शर्मा और रिदम पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अतिवादी सोच कई देशों की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को नष्ट कर चुकी है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी। सर, सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए, अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने तकरीबन 37 साल हिंदुस्तान आर्मी में सेवाएं दी और मैं 2021 में आर्मी से रिटायर हुआ और मेरी लास्ट पोस्टिंग मुंबई में थी और उसके बाद मैं दिल्ली में सेटल हो गया। और मैंने कुछ समय तक कॉर्पोरेट में काम किया, दो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में काम किया, लेकिन आज की डेट में मैं पूरी तरीके से मीडिया के साथ आज की डेट में जुड़ा हुआ हूँ और तमाम टीवी चैनलों पे एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, एज ए इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन सारे विषयों पे मेरा बोलता हूँ मैं। और जहाँ तक मेरे एजुकेशन का सवाल है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मैं वहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था और फिर उसके बाद सेना में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं था सेना में ना जाने का, एक चाम था सेना में जाने का, तो मैं वहाँ गया और फिर वहाँ भी तमाम तरीके के ऑपरेशंस में भाग लिया, जिसमें कारगिल ऑपरेशन था, सियाचिन ग्लेशियर में सर्व किया, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, जेएनके की इंसर्जेंसी और पंजाब में जब इंसर्जेंसी चरम पे थी तो हमने उससे में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो एक फौज का तो एक कंप्लीट पैकेज था, बहुत ही आज भी जब मैं उन सारे दिनों को याद करता हूँ तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आपने बड़े एक्टिव तरीके से चीज़ों को समझ के एक एग्जीक्यूशन लेवल पे उसको लाके खड़ा किया। तो और जिस तरीके से एक डिसिप्लिन तरीके से काम करने की आदत पड़ी, लोग चीज़ों को समझने की आदत पड़ी और एक जो एनवायरनमेंट मिला जो पूरी तरीके से सेकुलर, अपोलिटिकल और बगैर किसी कास्ट, कलर, क्रीड में विश्वास किए हुए हम लोगों ने काम किया और अल्टीमेटली हमारा मकसद था एक प्रोफेशनल टच देना हिंदुस्तान की आर्मी को, क्योंकि जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस तरीके से बॉर्डर की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को मेनटेन करना और तमाम तरीके की एक्सरसाइज करके अपने आप को हमेशा तैयार रखना कि हम लोग दुश्मनों का मुँह तोड़ जवाब दे सके, तो इस तरीके की कार्रवाई में लगे तो कैसे समय निकल गया 37 साल पता नहीं लगे। और अल्टीमेटली जब सिविल में आया तो ये पैशन कंटिन्यू रहा और आज की डेट में जो भी मैंने सीखा है वो लोगों को बताता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर का काम करता हूँ और तमाम आजकल के जो सामरिक विषय हैं उसमें मैं अपनी दखल और अपनी एक सोच रखता हूँ जिसको मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। वो बांग्लादेश जिसने कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज़ादी हासिल करी, इस बात पे आजादी हासिल करी कि उनके साथ भेदभाव हो रहा था, वो बांग्लादेश और ये बांग्लादेश जहां पे एक बार फिर से अतिवादी सोच वाले लोग बाहर आ रहे हैं, ये इतना बड़ा जो इतने छोटे से टाइम फ्रेम में ये जो इतना बड़ा चेंज बांग्लादेश के अंदर आया है, कैसे बांग्लादेश सेकुलर कंट्री से एक इस्लामिस्ट कंट्री अपने आप को कहने लग गया और अब जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, इस सारी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारा एक अभिन्न मित्र है, हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है और
बांग्लादेश में जो भी एक्टिविटी होती है उसका डायरेक्ट असर हिंदुस्तान पे पड़ता है, और हम किसी भी हालत में बांग्लादेश को इस स्थिति में या एनआरकी की स्थिति में जाने देना नहीं चाहते हैं। हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। अगर आप बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखें और उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली आज के दिनों में। तो बांग्लादेश की ये जो सिचुएशन है बड़ी चिंताजनक है। हिंदुस्तान की जो सेना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, आज की डेट में हाई अलर्ट पे हैं। वो किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन या ऐसे अराजक तत्व बांग्लादेश से हिंदुस्तान में ना आए, इसके उन्होंने पूरी तरीके से बॉर्डर पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आज की डेट में सिचुएशन को मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरीके की वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं। देखिए, सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है। अभी भी हिंसा, आसनक, अराजक तत्व सड़कों पे हैं, तमाम तरीके के वायलेंस हो रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उनकी नुकसान पहुंचा जा रहा है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में लोग घुसे और जिस तरीके से तोड़फोड़ की, जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं हुई, और जिस तरीके से देखिए आज की डेट में निर्दोष लोग माने जा रहे हैं और उनकी जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो बहुत चिंताजनक। और जिस तरीके की फोर्सेस देखिए उभर के आएंगी, कहाँ स्टूडेंट एजुटेशन वो देखिए दूसरे के हाथों में चला गया, एकदम रेडिकल फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज के हाथ में चला गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? एनआरकी, अराजक तत्व। मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर इंटरिम गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बन जाए, जैसा बनने की उम्मीद है, तो एक स्थिति काबू में आ सकती है। सेना पूरा भरसक प्रयास करे। देखिए, पुलिस भी आज की डेट में अपना लॉ इन्फोर्समेंट का काम नहीं कर रही, वो भी अपने इलाके तक ही सीमित है, क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का चिंता है। आर्मी को इसमें प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा बगैर किसी भेदभाव के। पहला काम वो करें कि शांति स्थापित करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लाएँ, और जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसको, उसके जो कार्यकलाप है उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। और 3 महीने का टाइम देखिए आपके पास है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन फिर उसी का रिपीट हो जैसा कि जनवरी 2024 हुआ था। सिर्फ ऐसा ना हो कि आवामी लीग ने पार्टिसिपेट किया, बीएनपी ने नहीं दिया, बीएनपी को ने वॉलंटरली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन शेख हसीना को उनको मनाना चाहिए था और उनको भी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करना था, उनको ऐसे इंसेंटिव देने थे। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें आवामी लीग का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो उसमें होंगे कौन? बीएनपी के लोग हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग हैं, जमात इस्लामी के होंगे, और इस तरीके के जब रेडिकल फोर्सेस किसी को रूल करते हैं और एक जो मैसिव पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप गवर्नेंस से बाहर रखेंगे, तो आप से सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा। तो इस तरीके की फंडामेंटलिस्ट, और जैसा आपने बोला कि जो रूढ़िवादी लोग और एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो डेवलप हो रहा है इस रीजन में, वो चिंता का विषय है। उसकी वजह से देखिए, जो भी बांग्लादेश में आज की डेट में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, जिस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 6% का, वो देखिए कहीं ना कहीं बैक ट्रैक ना हो जाए। और जो एक रिफॉर्म की पॉलिसी चली थी, एक उन्नतशाली देश बनने जा रहा था और तमाम तरीके के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनप रही थी, जूट इंडस्ट्री बनप रही थी, और तमाम तरीके के हमारा ट्रेड रिलेशन थे, तमाम तरीके के MOU हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने साइन किए थे, उन सारी चीज़ों का क्या होगा? तो मेरा मानना है कि ये एक बड़ा टेम्परेरी फेस है, इसको स्मूथली कितने अच्छे से वो कंट्रोल कर लेते हैं 15 दिन महीने दिन भर के अंदर, एक इलेक्शन कराएं फ्री एंड फेयर जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, BNP हो, जमात को अगर आप लाना चाहते हो उनको भी ले आइए, आवामी लीग को भी इन्वॉल्व करिए, और फिर एक इलेक्शन को फेयर तरीके से रखिए जिससे कि जनता को उसमें पार्टिसिपेशन का फील हो, और फिर जो वो गवर्नमेंट आती है वो आगे की दिशा निर्देश करे कि कैसे बांग्लादेश का प्रोग्रेस होना, कैसे उन्होंने अपने नेबर से रिलेशन बना के रखना, कैसे उन्होंने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को में अपना पार्टिसिपेशन देना, कैसे आप इंडो पैसिफिक रीजन में जो एक तरीके की जो डोमिनेशन हो रहा है चाइना को, किस तरीके से आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर या रीजनल कॉपरेशन के तहत उसको चेक करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है बांग्लादेश के लिए, देखिए कैसे ये इस चीज़ों से उभरते हैं। मेरा मानना है एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हुआ ये एजुटेशन एक डिफरेंट लाइन पे चला गया, लेकिन स्टूडेंट आज की डेट में देखिए वो कह रहे हैं कि उनको आर्मी रूल नहीं चाहिए, आर्मी का सत्ता में पार्टिसिपेशन उनको एक्सेप्टेड नहीं है, तो लिहाजा एक अच्छा साइन है। उनके नेबुल प्राइज विनर जो हैं
वो आज की डेट में इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करने की बात है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट में मैं चाहता हूं कि जो आपके टेक्नोक्रेट हैं, जो आपके प्रोफेशनल हैं, जिनको जिस चीज़ की महारत हासिल है वो डिपार्टमेंट सौंपें और एक प्रोफेशनल तरीके से गवर्नेंस करें इंटरिम पीरियड में। उसके बाद जनता जिसको चुनेगी वो बेशक उस इलाके में आए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हिंदुस्तान ने कहा है कि जो भी सरकार बनेगी हम उसके साथ कॉपरेट करेंगे, हम उनके साथ बायलेटरल टॉक रखेंगे और हमारे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है हम उसको और आगे बढ़ावा देंगे। बच्चे तो अपने लिए हक मांग रहे थे, उनका जहां तक पता चलता है कि उनका आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया और कैसे बदल गया कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब जाकर अतिवादी विचारधारा के बिल्कुल समांतर चला गया? ये चेंज कहां आया और कब आया? देखिए, ये स्टूडेंट एजिटेशन जो 30% रिजर्वेशन था उससे शुरुआत हुआ। देखिए, लोकल कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिस्टोर किया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से स्ट्रक डाउन करके 7% कर दिया। 5% आपके फ्रीडम फाइटर के लोगों को रिजर्वेशन और 2% माइनॉरिटी और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया। आइडली वहाँ पे एजिटेशन खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, दुनिया भर में ऐसे हजार एग्जाम्पल हैं, कोई एजिटेशन शुरू होता है, हाईजैक कर लिया जाता है और उसको डिफरेंट दिशा दे दी जाती है, चाहे वो किसी देश में हो। इस चीज़ से लोगों को अवेयर होना चाहिए। तमाम तरीके के ऐसे इंसिडेंसेस आपने देखे होंगे, एक नॉन करप्शन के लिए एजिटेशन शुरू हुआ और वो डिफरेंट दिशा में चला गया और जिससे गवर्नेंस चेंज हुई। तमाम एग्जाम्पल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बांग्लादेश में भी यही हुआ, स्टूडेंट एजिटेशन शुरू हुआ, अब उनके पास कोई ग्राउंड नहीं बचा था उस एजिटेशन को आगे ले जाए, लेकिन बांग्लादेश के जो फंडामेंटलिस्ट थे, राइट विंगर्स थे, ये बड़े दिन से वहाँ शिमरिंग चल रहा था। जब से इलेक्शन हुआ जनवरी 24 में, एक पार्टी मेजॉरिटी में आई लेकिन बाकी जगह बड़ा शिमरिंग इफेक्ट था। इस शिमरिंग इफेक्ट को शेख हसीना पढ़ने में पूरी तरीके से नाकाम रही। उसकी वजह यह थी, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर था कि सेंट मार्टिन आइलैंड पे उनका नेवल बेस बने, दूसरी तरफ से चाइना का प्रेशर था, तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तमाम छोटे छोटे आइलैंड पे उसका कब्जा, सबने सेंटर बनाना चाह रहा था। इन दोनों के बीच में हसीना शायद बैलेंस नहीं कर पाई और वो उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स को सही तरीके से रीड नहीं किया। एक प्राइम मिनिस्टर जो 15 साल से प्राइम मिनिस्टर है, इंटरनल सिचुएशन को भाप नहीं पाया और इस तरीके का जो शिमरिंग इफेक्ट था और जो फंडामेंटलिस्ट वहाँ जो ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे वो बीएनपी के लोग हों, और चाहे मेरा मानना है कि उसमें आईएसआई का भी एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में क्या जो आईएसआई है pre-71 या post-71 दोनों दिशा में बांग्लादेश में बड़ा ऑपरेटिव रहा है। हिंदुस्तान के अगेंस्ट उसने एक नया फ्रंट खोला था, बहुत सारे टेररिस्ट बांग्लादेश से भी हिंदुस्तान आए थे। जब से हिंदुस्तान का बॉर्डर वहाँ सिक्योर हुआ, एक अलग तरीके को उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को जन्म देने की कोशिश की और एक रिलीजन फंडामेंटल और फर्वर उन्होंने जनरेट किया। शेख हसीना उसको नहीं मानती थी लेकिन ये अंदर अंदर शिमर कर रहा था जो उसको नहीं समझ पाए। और जब स्टूडेंट एजिटेशन हुआ तो ये सारे के सारे लोग उसमें बड़ा डोमिनेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले करने लग गए और इस तरीके से एजिटेशन को बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया गया। आज की डेट में स्टूडेंट सिर्फ नाम मात्र के रह गए, 5 लाख लोग सड़कों पर हैं, 5 लाख लोग आर्सनिस्ट हैं, आज की डेट में अराजक तत्व तमाम तरीके की तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट पूरा डिरेल हो गया, ये इट इज़ नो मोर स्टूडेंट मूवमेंट, अब ये पूरी तरीके से फंडामेंटलिस्ट के हाथ में है, जमात के हाथ में, और वो एक तरीके की सोच अपने पॉपुलेशन पे लादना चाह रहे हैं। बेसिक वजह उसकी है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इसको रोकने की जरूरत है। इस तरीके की सोच के साथ कोई भी देश देखे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी और तमाम तरीके की एक तरीके के सबको इंक्लूसिव लेके चलना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर बांग्लादेश इसी स्थिति में चलता रहा तो जो भी उसने गेन किया है खोते हुए उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सर, एक और सवाल मेरा इस पे ये है कि ऐसा नहीं है कि अब जो है अतिवादी सोच वाले लोग वहां पर ज्यादा आ रहे हैं? हम पिछले कई सालों से ऐसी खबरें सुन भी रहे हैं कि मंदिर तोड़े गए, चर्च जला दिए गए और बहुत सारी हिंसक घटनाएं कुछ कुछ अंतराल में बांग्लादेश में होती रही हैं। तो क्या इस तरीके की कोई घटनाएं पहले ऐसी कोई थी जिसपे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद से इस विचारधारा के लोगों को और ज्यादा बल मिल गया? क्योंकि शेख हसीना तो बहुत कोशिश कर रही थी कि इनको दबा दिया जाए, इनको ऊपर ना आने दिया जाए, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी सही और गलत जो भी उपाय उन्होंने सुझाए वो किए उन्होंने,
लेकिन वो कौन सी घटना थी जिससे हमको ये लग सकता है कि इसके बाद अतिवादी सोच को और ज्यादा बल मिल गया? देखिए, आपको इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा कैसे बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और क्या घटना हुई 15 अगस्त 1975 में। ये सबसे बड़ा काला दिवस था बांग्लादेश का, जब शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और 3 बच्चों का कत्लेआम हुआ। उस समय जो सत्ता परिवर्तन हुआ, रूढ़िवादी फोर्सेस ही थी, फिर मिलिट्री रूल लगा और इस तरीके के तत्वों को बड़ा बढ़ावा मिला। और बीच में तो इतना ज्यादा इनका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ गया था कि आप इसको मुस्लिम देश भी डिक्लेयर कर लेते, इस्लामिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर लेते। तो इस तरीके की चीजें वहां रही है, इसको शेख हसीना पढ़ने में मिस्टेक करनी। ये इतिहास रहा है बांग्लादेश का आजादी के बाद, जिसने आजादी दिलाई उन्हीं के आपने परिवार को कत्ल कर दिया, अपने राष्ट्रपिता को आपने कत्ल कर दिया। और इस तरीके की जो सिचुएशन आगे डेवलप हुई, 2009 से पहले क्या व्यवस्था थी वहाँ? कभी मिलिट्री रूल आ रहा था, कभी खालिदा जिया थी, खालिदा जिया ने जो कंट्री को रील किया वो भी तो फंडामेंटली सी रूल था। तो इस तरीके से उनका पूरा देखिए इतिहास रहा, 85 से लेके 2008 तक का पीरियड, बीच में 5 साल शेख हसीना का रूल था, उसको आप थोड़ा एब्रेशन मांग सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का जो कंसर्न था, अवामी लीग पे हम ज्यादा बैंक कर रहे थे, हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, अवामी लीग को से काफी हमारा कॉर्डियल वर्किंग एनवायरनमेंट था, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन था। लेकिन जब फंडामेंटलिस्ट आ जाते तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती, उनका काम करने का तरीका अलग हो जाता, उनकी सीट जो सोच है वो बहुत ही अलग किस्म की हो जाती। तो ये सारी सिचुएशन रही है वहां पे, कोई नई चीज नहीं, और हिंदुस्तान के लिए भी एक नई सिचुएशन नहीं है। हम हर ताकतों के साथ डील कर लेंगे। हमने देखिए अफगानिस्तान में तालिबान से भी पाकिस्तान में जब मिलिट्री रूल था, चाहे जियाउल हक चाहे आपके परवेज मुशर्रफ, तब भी हम उनके साथ बातचीत करते थे और इस तरीके से, चाहे हमने उनको पीस के में हम आगे नहीं बढ़े, हमने और अपने सारे बायलेटरल रिलेशन खत्म किए, लेकिन हम को एग्जिस्ट किए। सेम चीज आज की डेट में बांग्लादेश के लिए भी होगा, अगर कोई फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट बनती है तो हमारा इतना बड़ा कॉमर्स है, इतने सारे एमओयू साइन हुए, इतनी हमारी इंटरडिपेंडेंसी है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान बांग्लादेश, ये संबंध चलते रहेंगे। थोड़े खरास्ता आ सकती, थोड़ा आपका जो ग्रोथ चल रही थी, जो 48% की आपका ट्रेड का ग्रोथ हो रहा था, वो शायद जेपर्डाइज हो जाए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीजें रिस्टोर होंगी। ये रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, ये चलेगा। ये राजनीति है, इस तरीके के लोग तत्व आएंगे पावर में, पावर से जाएंगे। लिहाजा दो देश बहुत बड़ी शक्ति होती है, अगर आपके ट्रेड रिलेशन, आपके बायलेटरल इश्यूज, आपका रीजनल कोऑपरेशन और तमाम तरीके जो फोर्सेस ऑपरेट कर रही हो, और आपकी सोच, मैं मानता हूं कि साउथ एशिया में सबकी सोच एक जैसी, पाकिस्तान हिंदू हमारा जींस एक है, तमाम तरीके की सिमिलैरिटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, और बेसिकली हम उतने रेडिकल फंडामेंटलिस्ट नहीं है। तो एक टाइम आता है, फेज आता है, रिलीजियस फर्वर चढ़ सकता है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आई एम वेरी होपफुल कि हमारे बायलेटरल टॉक्स होंगे, हमारा ट्रेड फिर से रिज्यूम होगा और हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अवामी लीग पास्ट हो गया, शेख हसीना पास्ट हो गया, अब हमें आगे कैसे बांग्लादेश के साथ डील करना है, इस पे हमें सोचना होगा। और इसके लिए देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया, जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे रिलेशन बनेंगे, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारी जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में हैं उनकी सुरक्षा वहाँ की गवर्नमेंट प्रदान करे। सर, जिस तरीके की फोटोज, जिस तरीके के वीडियोज बांग्लादेश से आ रहे हैं, मुजीबुर रहमान की, अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति न सिर्फ तोड़ी गई बल्कि उनका इस तरह से अपमान किया गया कि किसी भी देशभक्त को शायद रोना आ जाए, और ये पहली बार नहीं है जब अतिवादी सोच वाले लोगों ने किसी देश की विचारधारा को, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को, उनकी संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई हो। ईरान में ये हो चुका है, अफगानिस्तान में ये हो चुका है, पाकिस्तान भी इससे कुछ अलग नहीं है, और अब इस फहरिस्त में बांग्लादेश का नाम भी ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि कब कब अतिवादी विचारधारा वाले कुछ समूहों ने या लोगों ने देश की, एक पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को नष्ट कर दिया? देखिए, ये तो बहुत पुरानी लॉन्ग हिस्ट्री है। देखिए,
हिटलर से शुरू करिए, मुसोलिनी से शुरू करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अल्टीमेटली एक आदमी के फेनेटिज्म पे पूरा देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इस तरीके के इतिहास पूरा भरा है इस तरीके के एग्जाम्पल से। लेकिन आज जब हम आईटी वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में है, तो इस तरीके की कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन में विश्वास करना बड़ा मायोपिक भी हो जाता है। लेकिन हर जगह आज की डेट में फंडामेंटलिस्ट अप्रोच बढ़ रहा है। राइट विंगर्स बहुत अपने आप में बड़े पावर गेन कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन के, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरीके से यूरोप में आज की डेट में प्रॉब्लम है, आप मिडिल ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ हर कंट्री इससे अफेक्टेड है। वहाँ फंडामेंटलिज्म ही है, वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे मोनार्की की तरह से जो भी डिक्टेट आ जाता है उसको लोग मानते हैं। तो कुछ हद तक उन्होंने अपनी धरोहर को मेंटेन किया, लेकिन ज़्यादातर जब अनरेस्ट होता है, सूडान का अनरेस्ट देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, ईरान, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, कहाँ नहीं ऐसे हुए। और जब पूरा जब बोलते हैं कि व्यवस्था को आपने चौपट किया, वो अफगानिस्तान लाइव एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान में देखिए कितना बड़ा ट्रेड रूट हुआ करता था, अफगानिस्तान में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, तमाम तरीके का उनका जो ड्राई फ्रूट का था, तमाम तरीके का सिल्क रूट वहां से जाता था, कितना प्रॉस्परस नेशन होता था। आप फंडामेंटलिस्ट के चक्कर पड़े, आपने तमाम तरीके के रेडिकल थॉट को अंजाम दिया और आज आप इस स्थिति में आ गए। तो गृह युद्ध है, तालिबान का एक खौफ है, महिलाओं के राइट्स नहीं है, सेम थिंग पाकिस्तान। आप श्रीलंका में भी देख लीजिए जिस तरीके से फंडामेंटलिज्म वहां उनकी स्थिति क्या हो गई। नेपाल भी कुछ इस दिशा में जब बढ़ता है तो वहां भी इस तरीके की स्थिति है। तो कोई देश इससे अछूता नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। बांग्लादेश में आज की स्थिति ज्यादा सीरियस है, वो अपने धरोहर को ही मिटा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को ही मिटा रहे हैं, जिस एट्रोसिटीज के अगेंस्ट आपने इंडिपेंडेंस हासिल किए, और उसी एट्रोसिटीज में आप वापस जाना चाहते हैं, उसी फंडामेंटलिज्म में आप वापस जाना चाहते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं, मेरा मानना है कि ये शॉर्ट लिव्ड है। और जहां तक किसी की धरोहर मिटाने की बात है, कोई धरोहर मिटती नहीं है, कोई सभ्यता मिटी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस गायब हुआ नहीं है, रहता जरूर है, उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक स्कार छोड़ जाता है आपके देश के, आपके आपके उसके रिलीजन के ऊपर, आपके सेक्ट के ऊपर, कि आपने इस तरीके की एक्टिविटी की और आपने इसका खामियाजा आज तक भुला रहे हैं। देखिए आपको पता होगा, नालंदा का पुस्तकालय जब जलाया गया, रेडर्स आए जला दिए, तो पूरी धरोहर चली गई। आज तक हम उसको रिपेंट करते नहीं, तो हिंदुस्तान कहाँ का कहाँ होता, बहुत सारे वैल्यूएबल मॉन्यूमेंट्स हमारे चले गए। सेम थिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें। तो बांग्लादेश को इसको समझना चाहिए, नेशन फॉल ही करता है जब वो अपने इतिहास में नहीं जाता, इतिहास से सबक नहीं सीखता। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि कुछ जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं वो आज की डेट में फोरफ्रंट में, उनकी गवर्नेंस जीरो रखी है, मिलिट्री जीरो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जीरो है, थिंक टैंक गायब है, आपके जितने इंटेलेक्चुअल क्लास है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गया, वो डर रहे हैं, वो अपने आप की अपने जीवन को बचा रहे हैं, इसलिए वो फोरफ्रंट में नहीं। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो ये सारे लोग डोमिनेट करेंगे और गवर्नेंस देंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की रूढ़िवादी सोच, दकियानूसी सोच आपके देश को एक स्कार दे जाती है, एक डेवलपमेंट में रोकती है और आपके जितने डेवलपमेंट के प्रोसेस में रोक लगाती, इसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में पूरा विश्व इससे ग्रस्त है, चाहे अमेरिका देख लीजिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, साउथ एशिया देख लीजिए, हर जगह इस तरीके की ताकतें बढ़ गई और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है। ये बड़ा ट्रांजिटरी फेस है, ये उथल पुथल चलेगा अगले 2-3 साल तक, आगे आने वाले दिनों में होपफुली ये सारा कुछ सेटल हो जाएगा और हम ग्लोबल पीस की तरफ बढ़ेंगे। सर काफी पॉजिटिव थॉट है ये, अच्छा लगा मुझे ये सुन के, कुछ सालों में शायद सब ठीक हो जाएगा इधर उधर। सर अतिवादी सोच के लोगों के हमने बारे में बात की, मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मूर्तियां गिराना, मंदिर जला देना, चर्च ढहा देना, ये किसी भी और तरीके की ऐसी घटनाएं करने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब अपने ही देश की धरोहर जलाकर या अपने ही देश का नुकसान करके आप किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, ये मुझे कभी समझ नहीं आई बात। बिल्कुल आपने सही कहा, इसका कोई लक्ष्य नहीं, ये इसको बोलते हैं मैडनेस। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं है, वो सिर्फ एक मॉब मेंटेलिटी होती, वो जाती और मंदिर को गिरा देती, मूर्ति को गिरा देती, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरा दी, सद्दाम हुसैन गिरा दिए, तमाम तरीके के ऐसे इंसिडेंसेस हैं। उनकी सोच नहीं होती, वो सिर्फ एक ग्लेयर, एक फर्वर की तरह जाते हैं, दिमाग उनका नहीं काम करता। दिमाग अगर काम करेगा तो ऐसी एक्टिविटी होगी नहीं। मेरा मानना है कि एक जो मॉब मेंटेलिटी, इसको चेक करने की, और मॉब को जो उकसाते हैं
वो सबसे बड़े कल्प्रिट है। उनके जो नेता है, उनकी जो लीडरशिप है, और जो जिस तरीके की फिलॉसफी, जिस तरीके के फंडामेंटल थिंग वो आगे बढ़ाते हैं, इंसान इंसान में आप कैसे भेद कर, कोई रिलीजन नहीं सिखाता आप इंसान इंसान में भेद करिए, सब भगवान ने एक बनाया। आप इस धरती पे आते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरीके एक्सेप्ट में बढ़ जाते हैं, भगवान ने ऐसा कुछ बना के भेजा नहीं है। अब आप जब ये सोच ही नहीं है, जब आप सोचेंगे कि हमारा ये धर्म सबसे अच्छा है, हम ही आगे चलेंगे, बाकी कोई एग्जिस्ट ना करे, और हमको दूसरे से खतरा है, आपको दूसरे से खतरा नहीं, आप खुद अपने को खतरा महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की जो सोच रखते हैं उनकी सोच में गड़बड़ी है। देखिए, इंसान जो पैदा हुआ, कहते हैं ना 84,000 योनियों के बाद इंसान बना है, वो बेसिकली अच्छा इंसान है। उसको परिस्थिति, लीडरशिप, आप उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप उसको फंडामेंटलिस्ट बना देते हैं। पैदा होके बच्चा तो गन नहीं पकड़ लेता, या हिंदू मुस्लिम नहीं करने लगता, या अपने रिलीजन की नहीं बात करने लगता, आप उसको पढ़ाते हैं, परपक्व करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, ये इसको बढ़ावा नहीं देती। समाज तभी डेवलप करेगा जब दोनों मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े जवान सब मिल के काम करें, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण। आइडियलिज्म की बात करने वाले आज की डेट में दुनिया में बहुत कम है, सारे के सारे लोग प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं या अपना अपनी अप्रोच की बात करेंगे। सारे लोग को साथ लेके चलिए, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इंक्लूसिव बनिए, और अपना आप जब बात करेंगे तो दूसरे का भी ख्याल रखिए, इंसानियत रखिए। तमाम तरीके के नियम कानून हैं हर एक कंट्री में, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीशन को नहीं बढ़ावा देता है, लेकिन अल्टीमेटली जब हम इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो हमारे फेवरेटिज्म प्ले करते हैं, हम सिस्टम को आउटस्कर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप रोक देंगे तो ज़रूर आपका एक अलग तरीके की सोच डेवलप होगी। और ये सोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हिंदुस्तान की आर्मी देख लीजिए, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन हम कुछ नहीं जानते, हमारे लिए सोल्जर सोल्जर है, हम अपना काम करते हैं और हम किसी इंसान में भेद नहीं करते हैं, जाति, धर्म, रेजिमेंट, ये वो कुछ भी नहीं। वेल, आप अपना प्रोफेशनल काम करिए उसके बाद। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान की आर्मी क्यों सक्सेसफुल है, इसलिए सक्सेसफुल है कि हमारा ये छोटे छोटे पार्टीशन कंपार्टमेंट में हम काम ही नहीं करते हैं, हम सारे इंसान को बराबर समझते हैं, सोल्जर को सोल्जर समझते हैं, उसकी काबिलियत के हिसाब से काम देते हैं और अपने प्रोफेशनल एक्सलेंस में लगते हैं। सेम चीज़ अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में लागू करिए, सेम चीज़ अगर आप सोशल सिस्टम में लागू करेंगे तो कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे। आप इंसान से इंसान का डिफरेंस मत करिए, किसी को फेवरेटिज्म मत करिए, कोई एक ऐसे को अनड्यू एडवांटेज ना मिले कि वो काबिल है नहीं है, लेकिन आपके धर्म का, आपकी जाति का, आपके समाज का है तो आप उसको बढ़ावा देंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप रोक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और पूरे ग्लोबली आप एक सेटिस्फाइड तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बोलते हैं, जब भी मैं इस तरीके की बातें करता हूं तो लोग कहते हैं आप आदर्श बोल रहे हैं। जी हाँ, आदर्श ही एक ऐसी चीज है जो शाश्वत है, आगे तक चलेगा। जो प्रैक्टिकल है वो थोड़े दिन है, मोमेंट्री है, 4 महीने 6 महीने, साल भर, 5 साल, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो आपको अपनी सोच रखिए, हिंदुस्तान या कोई भी देश अगर अपनी सोच ठीक रखता है, आगे का जो विजन उसका क्लियर है, तो डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और तमाम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सोच लागू करने की जरूरत है। और जो मैं सख्त अगेंस्ट हूँ फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के, ये वजह नहीं है। आप डिफरेंस को एक्सेप्ट करिए, डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करिए, उसको कन्विंस करिए और उसकी जो अच्छाई है उसको अपने में ग्रहण करिए। ऐसा होता नहीं है, बड़ा शॉर्ट लिव वर्ल्ड है, आज की डेट में डिजिटल हो रखा है, यस नो बाइनरी का जमाना है। ये सारी चीज़ों का रिपरकशन ये है कि हम उस चीज़ों को उतने संजीदा नहीं रह गए, सेंसिटिव नहीं रह गए, हम बड़े मैकेनिकल होते जा रहे हैं, लिहाजा इस तरीके की चीज़ें हो रही, लगता है मैं ही सब कुछ ले लूँ, मेरे पास ही सब कुछ हो। ये इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए और समाज के लिए और कंट्री के लिए बहुत भयावह है, ऐसे नहीं गवर्नेंस होती है। लिहाजा एक संदेश है सबके लिए कि सोच बदलिए, इंसान को इंसान से लड़ाइए मत, और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करिए जिससे कि सारे लोग एक होके काम कर सकें। सर, बीच में आपने बात करते हुए एक बात कही कि ये जो दूसरे लोग हैं ना जो भड़काते हैं, तो इन पे चेक रखना जरूरी है। इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यह बयान दे दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में, भारत में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति पर इस तरह के बयान जब कोई बड़ा नेता देता है तो उसके राजनीतिक मायने क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जब इस तरीके की संवेदनशील सिचुएशन हो तो अपने सारे लोगों को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाज
के कार्यकर्ता हूँ, उनको इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। किसी की सिचुएशन को अपने ऊपर लागू करना है या एक परिकल्पना करना है या इस तरीके से बयान देना ठीक नहीं होता, इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। बांग्लादेश में हो जो हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है, उसका रेप्लिकेट करके हिंदुस्तान में बोलना ये जायज़ नहीं है। हिंदुस्तान की परिस्थितियाँ अलग हैं, हिंदुस्तान अलग कंट्री है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है वो अलग किस्म का है, हमारे जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिफरेंसेस नहीं है, सबके फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है या वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता है या उसको किसी भी तरीके से डू एंड डोंट्स की कैटेगरी में नहीं, वो जो हमारे लिए लागू है वो सबके लिए लागू है। तो इस तरीके का हमारा सोशल फैब्रिक है और हमारा जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, हमारा जो आपस में भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। बांग्लादेश अलग किस्म का कंट्री है, वहाँ की राजनीतिक और भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ जिस तरीके का एजिटेशन हुआ, जिस तरीके से वन साइडेड इलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें क्या आप रेप्लिकेट कर सकते हैं हिंदुस्तान? नहीं है। हिंदुस्तान में अभी इलेक्शन हुआ, मल्टी पार्टी इलेक्शन हुआ, तमाम तरीके के अप डाउन हुए, तो एक फेयर इलेक्शन हुआ काफ़ी हद, और वही बांग्लादेश में एक पार्टी का इलेक्शन हुआ, स्टूडेंट ने एजिटेशन किया तो सेना ने एक दिन पहले तो 100 स्टूडेंट को मार दिया, लेकिन जब वही आर्सनिस्ट जब प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में जा रहे थे तब कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उनकी सेना पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्वेश्चन मार्क है, क्यों उन्होंने पहले स्टूडेंट को मारा और क्यों सेकेंड टाइम में उन्होंने मॉब को कंट्रोल नहीं किया, तो उनका क्या रोल है? तो हर एक आदमी ड्यूबियस है, हर एक का जो काम करने का तरीका अलग है, हर एक की नेशनलिस्टिक फीलिंग अलग है, हर एक अपने एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। तो जो बांग्लादेश का एग्जाम्पल है वो हिंदुस्तान में इस तरीके से बोलना मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसा सेंसिबल आदमी नहीं बोलेगा। हमारी सिंपैथी बांग्लादेश के साथ है, हम अगर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो हम उसके लिए कोई काउंटर मेजर करेंगे, लेकिन ऐसा सिचुएशन है नहीं। फिर भी कोशिश रहती है तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशन की, कि एक फेयर तरीके से लोगों के सामने चीज़ों का पर्सपेक्टिव रखा जाए। जब तक हमारी संसद है, जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, जब तक जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा फैब्रिक बहुत ही स्ट्रांग है। कभी हिंदुस्तान में इस तरीके का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उतने लेवल पे नहीं पहुंचा, कभी हमने देखे सेना का कू नहीं हुआ, एक डिसिप्लिन तरीके से एक जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसको हमने लागू किया और ये आज़ादी के बाद से चला रहा है। आज़ादी के समय तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड टाइम हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हमारा भाईचारा बढ़ा, एक सोशल फैब्रिक हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास हुआ, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में हमने विश्वास रखा और हम आगे बढ़े। तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं है हिंदुस्तान में, बिल्कुल कैटेगोरिकली बोलना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और एक मेरा मानना है कि डेलिब्रेशन एक झुंझलाहट में दिया गया स्टेटमेंट, मेरा मानना है, हो सकता है बगैर दिमाग का इस्तेमाल किया हुआ। ऐसे स्टेटमेंट से हम सभी हिंदुस्तानियों को बचना चाहिए, बल्कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता कि बांग्लादेश की सिचुएशन उनके देश में भी लागू हो सकती है, तो लागू होने से पहले आप वो काउंटर मेजर अडॉप्ट करिए जिससे कि ये सिचुएशन ही ना आए, आप लोगों को सेटिस्फाई करिए, तमाम तरीके के सिस्टम को इन्फोर्स करिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, तमाम तरीके के जुडिशरी सिस्टम, इन सबको पुख्ता बनाइए। तो हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको यहीं पे छोड़ दें तो बेहतर होगा। हम अलग तरीके से सोचते हैं, हिंदुस्तान की सोच ही अलग है और हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, प्रबुद्ध वर्ग है, पॉलिटिशियन है, इवन अगर आप किसी मजदूर से भी बात करेंगे, किसी गांव से बात करेंगे, किसी स्टूडेंट से बात करेंगे, वो भी शायद इस चीज़ को नहीं उसके एडवोकेट करेगा। बाकी पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह है, उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन देश का फैब्रिक बहुत स्ट्रांग है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और हम हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं कहीं और कभी भी हो नहीं सकती है। दो तीन घटनाएं जो हैं उनकी बात करूंगी कि भले ही भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं लेकिन फिर भी कई जगहों पर आज भी हिंदू मंदिर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ही तोड़े जा रहे हैं। एक और घटना थी जहां पर तलाक, तीन तलाक जब खत्म हुआ तो भारत में कुछ ऐसे वर्ग थे, कुछ ऐसे बल्कि बुद्धिजीवी भी थे जिन्होंने इस बात को अपोज किया कि नहीं नहीं तीन तलाक खत्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह जब भारत की जनता के अंदर से निकले हुए बुद्धिजीवी ही ऐसी हरकतें करते हैं तो आप भारत के लिए इस चीज को कितना गंभीर समझते हैं? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत स्ट्रांग नेशन है, इकॉनमी, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, ये बड़े बड़े हॉलमार्क्स हैं हमारे, और साथ में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तमाम तरीके के छोटे छोटे संप्रदाय या बड़े संप्रदाय या माइनॉरिटीज़, वो फ्रीडम है, उनको अपना धर्म प्रोपोगेट करने की
कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। तो इस तरीके की घटनाएं इतने बड़े देश में होना, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इसको अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेता हूं। उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बुर्का पहनना चाहते हैं नहीं पहनना चाहते हैं, वो एजिटेशन करना चाहते हैं, ये सारा कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप कोई चीज़ इम्पोज करेंगे कि आप ये नहीं करेंगे, तो आपके ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में होती रहती हैं, इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखिए, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ की संख्या देखिए, कितने लोग इस तरीके की घटनाओं को असर देते हैं। तमाम तरीके के, अगर आप हिंदू धर्म में भी बात करेंगे तो कई तरीके की यहाँ शक्तियाँ हैं, मुस्लिम धर्म में बात करें तो कई तरीके के उलेमाज और कई तरीके के रूढ़वादी लोग हैं, क्रिश्चियनिटी में है, तमाम तरीके के धर्म में, हर में ऐसा होता है। तो इसको आप देखिए पॉजिटिव स्टेप की तरह देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानिए, और जहाँ आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने जा रहा है, समाज को डिवाइड करने की बात आ रहा है, या आपको लगता है कि इससे हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक इतने बड़े लेवल पे 140 करोड़ की संख्या में इसको अफेक्ट करेगा, तो जरूर हिंदुस्तान की क्या जो पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान की लीडरशिप है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की जुडिशरी इस पे एक्शन लेगी, सुमोटो एक्शन लेगी, लेकिन वो सिचुएशन है नहीं। आपको फ्रीडम है, रिसेंट करिए, देयर इज अ बोलते ना कि आप हर एक चीज का विरोध करने की स्वतंत्रता है। एक सशक्त विपक्ष एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। देखिए बांग्लादेश में विपक्ष नेता क्या हालत हो गई, तो हर चीज को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और स्पेशली रिलीजन के मामले में बड़ा पर्सनल इशू है, मैं पूजा करता हूं अपने घर के अंदर, कुछ पूजा करते हैं मस्जिद में जाके, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सबकी अपनी श्रद्धाएं हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, उससे अपने आप को ना तो ऑफेंडेड फील करिए, ना ही ये ऑफेंडेड फील करिए कि ये हमको टेक ओवर कर लेगा। कोई किसी के धर्म को ना तो मारता है ना खत्म करता है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि हो सकता है मेजोरिटेरियन टेंडेंसी आ जाती है, माइनॉरिटी में एक तरीके का भय होता है, लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे तो कहीं कोई धर्म गायब हुआ दुनिया से नहीं होता है ना। ज्यूज भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, सब चल रहे हैं, कोई किसी को कत्लेआम नहीं कर रहा, छोटे छोटे फंडामेंटल छोटे छोटे सेपरेटिस्ट फोर्सेस इस चीज़ को हवा देते हैं, उनको इससे लोगों का समर्थन मिलता है, उनको एक तरीके का उनका जो ईगो सेटिस्फाइड होता है, और एक छोटी सोच को प्रोपोगेट करते हैं, वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। बुर्का तीन तलाक देखिए, आप लोगों ने बात की, डिबेट भी खूब हुआ, और उसके बाद ये सेटल हो गया। इसी तरीके से बुर्के का इशू ईरान में देखिए, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और अल्टीमेटली ईरान ने क्या एलेक्ट किया, एक रिफॉर्मिस्ट को ही अपना प्रेसिडेंट बनाया आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डायनेमिक है, मैं इसको एज ए मानता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका राइट है टू राइट टू डिसेंट, आप राइट टू प्रोपोगेट योर ओन रिलीजन, और आपको राइट टू आप क्या पहनना चाहते हैं, किस तरीके से खाना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है। जब तक आप उससे समाज को अफेक्टेड नहीं कर रहे हैं, आप एक किसी को इम्पोज नहीं कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं लगा रहे हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तो आप फ्री हैं किसी भी तरीके से बात करें। ये हमारा डेमोक्रेसी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, और हमको इसको मानना चाहिए। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होंगी। हिंदुस्तान और इंसान का नेचर है कि दो इंडिविजुअल एक जैसे हो नहीं सकते। आप कुछ सोचेंगे, मैं कुछ सोचूंगा, आप मेरी लाइन को फॉलो करेंगे तो या तो मेरी फॉलोअर हो गए, या अंधभक्त हो गए, या फिर अपनी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन जब आपको सही अपॉर्चून मोमेंट मिलेगा तो आप भी एक अपना डिफरेंट व्यू रखेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर ऐसा चलेगा, ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं इसको हेल्दी साइन मानता हूं हिंदुस्तान के लिए कि आप डिसेंट करिए, अपने पॉइंट रखिए, और उसका समाधान निकले, और इस मेन धारा से जुड़ के नेशन बिल्डिंग में आप काम करिए। अच्छा सर, जब हमने बात करी कि हिंदुस्तान जो है वो ब्लेस्ड है कि यहाँ पर एक कॉमन सोच ये है कि जियो और जीने दो, अग्री टू डिसअग्री वाला चीज है कि आपकी मान्यता आपकी है, मेरी मान्यता मेरी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज को ना तो मानते हैं ना इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सभ्य समाज की अगर मैं बात करूं, जिस समाज की आपने अभी बात करी, जो समाज अभी भारत के घर घर में, गांव में, कस्बे में बसता है, ये समाज इन अतिवादी रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के साथ कैसे डील करे? क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में हो ये रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के लोग जो है बिना मतलब शोर शराबा करते हैं, उन यूथ को जिसको शायद पूरी घटना के बारे में जानकारी भी नहीं है, उनको अफेक्ट करती हैं ये सारी बातें, और फिर वो अपनी एक सोच बना लेते हैं बिना सच जाने, बिना समझे। तो ऐसे लोगों से सभ्य समाज कैसे डील करे? देखिए हिंदुस्तान का ये है कि डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, और तमाम तरीके के एलिमेंट्स यहाँ ऑपरेट करते हैं।
कुछ लोगों की रूढ़िवादी सोच है, जिसको आपने बोला अतिवादी लोग हैं। एक डिजिटल मीडिया का जमाना है, विद इन अ सेकेंड आप पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके का मैसेज दे सकते हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं। बड़े अनफॉर्चुनेट सीन है, लेकिन हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा हर हालत में। अगर अतिवादी लोग इस तरीके की फिलॉसफी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने वाले सोसाइटी में लोग, वो भी इस चीज़ का एक डिजिटल मीडिया से लोगों के बीच में एक तरीके की जागरूकता फैला सकते हैं सब चीज़। और सबसे देखिए, ये सारी चीज़ों का आज की डेट में जैसे जैसे लोग डिजिटल मीडिया के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं, वो उसकी वैधता पे भी क्वेश्चन लगाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन लगाते हैं। और साथ में जब जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, जिसमें लोगों की अवेयरनेस आएगी, वो उस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करने लगेंगे। देखिए, शहरों में आज की डेट में जितने भी व्हाट्सएप या डिजिटल मीडिया पर मैसेज घूमते हैं, लोग उस पर बिलीव कम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये वन साइडेड व्यू है, इसका काउंटर व्यू ले। हमने जैसे कई सारे व्हाट्सएप मैसेज दिए, तो आप उसका काउंटर व्यू लेते हैं और आप देखते हैं कि राइट नाउ इट इज नॉट द राइट अप्रोच। इसी तरीके से एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अगर अतिवादी लोग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे जितने थिंक टैंक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तमाम सोशल मीडिया है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन बिल्डिंग में। आप इस तरीके की चीज़ों को कंडम करें, बताएं फेक है, इनकरेक्ट है, और साथ में जो सही चीज़ें हैं वो जनमानस के सामने लाएं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हम किसको ऑथेंटिक माने और किसको ऑथेंटिक नहीं माने। इसको मीडिया को एक बहुत अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया के तमाम चैनल जो आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ व्यूअरशिप के चक्कर में ना पड़ के अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और जो सही है सही बोले, गलत को गलत बोले। और जिस तरीके से अतिवादी लोगों का देखिए लाइकिंग और जिस तरीके से कमेंट्स आज की डेट में आते हैं, उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा उसमें आप ज़्यादा पढ़े नहीं, लेकिन वो अगर इफेक्ट कर रहा है तो उसका काउंटर हमें जरूर करने की जरूरत है। और तमाम तरीके ये चीज़ें गवर्नमेंट के संज्ञान में, जुडिशरी इसके संज्ञान में, टाइम टू टाइम देखिए इसके ऊपर एक क्रैकडाउन भी चला है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता ना बाधित हो। जिस दिन आपको लगेगा कि आपके सोशल मीडिया के राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन इंटरनेट बंद हो जाता, आप हैंडीकैप महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ चलेंगी। मेरा मानना है कि आप एजुकेशन एक अच्छे तरीके से बढ़ाएं, लोगों में अवेयरनेस लाएं और तमाम इन मीडिया को अपने पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिससे कि रूढ़िवादी ताकतें, अतिवादी ताकतें अगर किसी एक फिलॉसफी को आगे बढ़ा रही हैं, तो उसको चेक किया जाए और उसका रिबटल और उसका टाइम टू रियल टाइम में अगर आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन हमेशा से इतिहास गवा रहा है, पक्ष है तो विपक्ष है, हार है तो जीत है, एक काउंटर व्यूज आपको मिलेगा, तो उसको आप एवर्जन मत रखिए, घृणा मत करिए, उसे काउंटर करिए और अपना पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए उनको चेक करिए। रूढ़िवादिता गलत है, इससे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप एक फिक्स नाइन में सोच रहे हैं, आपने 10 पॉइंट हैं, आपने सिर्फ एक पॉइंट को लिया, 9 पॉइंट्स को आपने अगर निगलेक्ट कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं एक कहीं आप ग्रसित हैं एक प्री फिक्स्ड आइडिया से, तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर सारे लोग डिटर्मिंड हो जाएं, सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके टीवी मीडिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक कैंपेन चलाएं, लेकिन जैसे कोई चीज़ आपको सही लगे उस पर रिएक्ट करिए और उसका काउंटर दीजिए, जिससे कि एक अवेयरनेस आप सोसाइटी में ला सकें और इस तरीके से रूढ़िवादिता को आप चेक कर सकें। आखिर में आपकी तरफ से आप इस पूरे घटना पर क्या सोचते हैं और आप हमारे भारतवासियों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हालात हैं बांग्लादेश के, वो चिंताजनक हैं। जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया और स्टूडेंट एजुटेशन के नाम पे इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, ये एक अपने आप में सरासर गलत विधा है। अगर आपको डेमोक्रेसी में विश्वास था, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते और इलेक्शन में आप अपना मत का एक्सरसाइज करके अपनी गवर्नमेंट को चुनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आप हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज़ के ऊपर अपना अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनके रिलीजियस प्लेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से आपने आगजनी की, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ये आपके देश का ही नुकसान है। ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और हमारे देशवासियों के लिए एक मैसेज बहुत क्लियर कट है, अपने को अवेयर रखिए, अपने सराउंडिंग को समझिए, कहाँ पर क्या चल रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सारी चीज़ों को समझिए और हिंदुस्तान के लिए क्या अच्छा है
उसको एडॉप्ट करिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये स्ट्रेंथ है, एकता है हमारे अंदर, विविधता में एकता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हमारा जुडिशरी इंटैक्ट, हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शनल है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्ट्रांग है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और हमने देखिए जो बांग्लादेश का इशू हुआ और हमने ऑल पार्टी मीट की और सबने एक स्वर में बोला कि एक्सटर्नल अफेयर्स की जो नीति प्रधानमंत्री जो भी निर्धारित करेंगे हम सारे लोग एक साथ हैं। इवन ममता बनर्जी जो आज की डेट में गवर्नमेंट की स्टॉन्च अपोजिशन में रहती हैं, उन्होंने भी ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो एक्शन लेंगे बांग्लादेश के प्रति, उनकी जो नीति हुई हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो मेरा देशवासियों को एक ही है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। हिंदुस्तान अब तक सर्वाइव कर रहा है एक सेकुलर वैल्यूज में, तो आप उसमें विश्वास रखिए। रूढ़िवादी ताकतों को पे फुल स्टॉप लगाइए, किसी भी तरीके की अतिवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटीज मेजॉरिटी हमेशा से मिलके नेशन बिल्डिंग में काम किया, वो काम करिए। और तमाम तरीके के अफवाहों से, तमाम तरीके के वन साइडेड व्यू से, तमाम तरीके के जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं आपको पता होना चाहिए, उनके ट्रैप में ना फंसें। बहुत बड़ा फाइनेंशियल आपको लुभावना चीज देंगे, बहुत तरीके से आपको ल्योर करेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे, वो चाहेंगे कि आप इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हों। अगर आप एक बार उसमें फंस जाएंगे तो आपको बार बार ऐसा काम करना पड़ेगा। तो आप पूरे अपने सिस्टम में विश्वास रखिए, अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखिए। हिंदुस्तान एक बहुत ही प्रगतिशील देश है, आगे आने वाला पूरी विश्व मानता है कि हिंदुस्तान का होगा, आप इसमें विश्वास रखिए। और नई जनरेशन को एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, आप अपना कमिटमेंट नेशन बिल्डिंग की तरफ बढ़ाइए, आप चीज़ों को समझिए। ये आपका जो शॉर्ट लिव्ड जो टेम्परामेंट है उसको चेक करके पूरे संजीदगी के साथ नेशन बिल्डिंग में जुटिए, और जिस भी कैपेसिटी में आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करिए। और तमाम तरीके की जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं उससे बचिए, अतिवादी लोग रूढ़िवादी लोगों से बच के नेशन बिल्डिंग में काम करिए। हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ उसका सेकुलर फैब्रिक है, विविधता में एकता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, उसमें विश्वास रखिए। हिंदुस्तान जरूर तरक्की करेगा, तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में एक डेवलप्ड नेशन के रूप में आप अपने देश को देखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सही को सही बोलो, आइडियलिज्म की हम बात करते हैं और हमने यही सीखा है शुरू से, आइडियलिज्म कभी गलत नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अप्रोच, आप बोलेंगे कि बांग्लादेश को सपोर्ट करो नहीं करो, वो शॉर्ट लिव्ड है, आज सही है कल गलत हो सकता है, लेकिन जब आइडियलिज तरीके चलेंगे तो वो कभी गलत होगा ही नहीं। तो ये है अपना सोच, अपना सही संभाल सही, कर चलेंगे तो सब सही होगा, सब सही है और क्या। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, थैंक यू सर। रिदम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रिदम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं, साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रिदम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ, और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।